हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप हमेशा की तरह आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट्स स्कोर हंड्रेड पे वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक को खत्म करने वाले हैं एंड आइए फिर इसी बात से शुरू करते हैं एंड उसी के कंटिन्यूएशन में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में वाले ही टॉपिक में हमने देखा कि एक मेजर टॉपिक है और वो टॉपिक है स्टेप्स स्टेप्स टेकन टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव दोस्तों जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी बट वो डिसेंट्रलाइजेशन इतना इफेक्टिव नहीं था क्यों क्योंकि आप लोग जानते इसके थ्री मेजर रीजन थे बिफोर नाइनटीन नाइनटी टू जो डिस्रलाइजेशन था यानी डिस्ट्रीब्यूशन का पावर जो लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को दिया गया था वो बहुत इफेक्टिव नहीं था इसके थ्री मेजर रीजन्स थे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने उसे डिस्कस किया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये थ्री रीजन्स कौन से हैं दो रीजन मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में कॉल एक रीजन डिस्कस करिए पहला रीजन था कि जो ये लोकल गवर्नमेंट्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी और स्टेट गवर्नमेंट्स पावर शेयर नहीं करना चाह रही थी इसीलिए वो रेगुलर इलेक्शंस नहीं कराती थी राइट सो बेसिकली ये लोकल बॉडीज स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में थी और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती थी वो रेगुलर इलेक्शंस नहीं कराती थी वन मोर रीजन इज लेफ्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं चलिए आगे बढ़ते आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा इस पर दो तरह से बेसिकली तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है थ्री मार्कर या फोर मार्कर डिपेंडिंग ऑन जैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आप पॉइंट्स बढ़ा और घटा सकते हैं आप लोग आंसर लिखते समय राइट आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन टू मेक प्लीज ध्यान दीजिए यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स टेकन टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव एक तो ये तो क्वेश्चन की वर्डिंग्स हो सकती है दूसरी क्या हो सकती है दूसरी क्वेश्चन की वर्डिंग ये हो सकती है डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट सर रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक दूसरा क्वेश्चन तीसरा तीसरी तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू मेक दर्ड टायर ऑफ इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक इट इफेक्टिव एंड पावरफुल तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है राइट right? तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर लिखेंगे देखते हैं पहला हमारा क्या है अ मेजर। पहला पॉइंट ये इंट्रोडक्शन है अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। आप लोगों ने देखा कि बिफोर 1992 नाइनटी का कुछ खास असर था नहीं था ऐसे पेपरों पे काम चल रहा था राइट स्टेट गवर्नमेंट जब मर्जी हुई इलेक्शन करा दिया जब मर्जी हुई नहीं कराया राइट बट 1992 में ऐसा क्या खास हो गया 1992 में ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया यानी अब स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्शन कराना ही पड़ेगा राइट कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट किया गया मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया इलेक्शन कराना और रेगुलर इलेक्शन कराना पावर्स भी शेयर करना राइट right? तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से फाइव मेजर स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हमारे लोकल गवर्नमेंट्स अब बहुत इफेक्टिवली काम कर पा रही हैं आइए देखते हैं पहला पॉइंट है हमारा सबसे पहले नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन यानी अब स्टेट गवर्नमेंट की मनमर्जी नहीं चलेगी उनको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जाती है तो पीपल कैन अप्रोच टू कोर्ट्स राइट तो पहला हो गया पहला मेजर स्टेप ये था दूसरा मेजर स्टेप क्या है सीट्स आर रिजर्वड सीट्स आर रिजर्वड ये जो लोकल बॉडीज हैं चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो चाहे रूरल लोकल बॉडीज हो रूरल लोकल बॉडीज आप लोग जानते हैं रूरल लोकल बॉडीज ये तीन होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद होता है ब्लॉक लेवल पे हमारा पंचायत समिति होती है एंड विलेज लेवल पे हमारा ग्राम पंचायत होता है उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नगर पंचायत होती है म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है तो आप लोग म्यूनिसिपल काउंसिल एंड कॉर्पोरेशन में कंफ्यूज मत होना लास्ट वाली वीडियो जो है इसी का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का पार्ट वन जो मैंने बनाया है आप उसे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजिली और अच्छे से समझ में आएगा और केवल समझ में ही नहीं आएगा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप वीडियो देखेंगे आंसर ही आपको लर्न हो जाएगा और सेम हम यहां पे भी करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड ये आपको आंसर लर्न ही हो जाएगा हम लोग लर्निंग की ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं चलिए देखते हैं तो पहला क्या हो गया पहला मेजर स्टेप क्या हो गया हमारा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि इलेक्शन उनको कराना पड़ेगा रेगुलर इलेक्शन कराना पड़ेगा दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि सीट्स रिजर्व हो गई सीट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीट्स 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 रिजर्व हो गए seats का मतलब मतलब क्या होता है मूवी मतलब वाला सीट्स नहीं होता आप लोगों में से ढेर सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है यार सीट सीट क्या बात करते हैं सीट्स रिजर्व हो सीट रिजर्व होगी क्या कोई बस की सीट है जो रिजर्व हो नहीं नहीं बड़ा ही सिंपल आइए समझते हैं एक्चुअली आप लोग जानते हैं हमारी लोकसभा में लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं लोकसभा में टोटल फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव राइट फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव है लेकिन इसमें से इलेक्शन जो किए जाते हैं इलेक्शन केवल फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री सीट्स के लिए होते हैं टू सीट्स के लिए इलेक्शन नहीं होते हैं वो हम लोग कभी बाद में समझेंगे क्यों नहीं होते हैं 543 सीट्स इसका मतलब क्या हुआ लोकसभा में 543 सीट्स हैं इसका मतलब होता है कि लोकसभा में टोटल कितने लोगों को हम लोग इलेक्ट करके भेजेंगे फाइव थ्री मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करके भेजेंगे चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सो so दैट आप लोगों को सीट्स का क्लियर हो जाए फॉर एग्जाम्पल डेली म्यूनिसिपल सॉरी डेहरी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे हिंदी में विधानसभा भी बोलते हैं तो डेही की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल सीट्स कितनी है सेवनटी डेल्ही की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स है सेवेंटी तो सीट का मतलब क्या होता है कि डेली लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें सेवेंटी एम एल ए सेवेंटी एम एल ए हमें इलेक्ट करके भेजना है सीट्स का मतलब ये होता है नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक तो यहां पे जो लोकल बॉडीज हैं अर्बन लोकल बॉडीज एंड जो रूरल लोकल बॉडीज हैं राइट इनके लिए सीट्स रिजर्व है सीट्स चार लोगों के लिए रिजर्व है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी जिसको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड के लिए आइए देखते हैं इसे सो सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज इलेक्टेड बॉडीज मतलब क्या हुआ इलेक्टेड बॉडीज हो गई हमारे जैसे जिला परिषद हो गया मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं रूरल लोकल गवर्नमेंट में इलेक्टेड बॉडीज कौन कौन सी हमारा जिला परिषद हो गया पंचायत समिति हो गई ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत हो गया विलेज लेवल पे तो इनमें विमेन के लिए इन विमेन के लिए एस सी एस यू ओबीसी के लिए सबके लिए सीट्स रिजर्वड है राइट right? एक तो ये हो गया दूसरा क्या होता है कि ये जो जैसे जिला परिषद हुआ इनका जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्राम पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ग्राम पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसे क्या बोलते हैं किसी किसी स्टेट में प्रधान जी बोलते हैं किसी किसी स्टेट्स में मुखिया जी बोलते हैं जैसे हमारे यूपी में बिहार में राजस्थान में और हरियाणा में मुखिया जी या प्रधान जी बोलते हैं राइट right? तो अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में टोटल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में टोटल टोटल नाइन पंचायत प्रेसिडेंट पंचायत प्रेसिडेंट बोलते हैं यानी प्रधान जी ठीक है प्रधान जी पंचायत प्रेसिडेंट मतलब प्रधान जी अगर टोटल नाइन सीट्स हैं तो उसमें तीन सीट्स पे यानी फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में नौ प्रधान चुने जाने हैं नौ प्रधान चुने जाने हैं यानी नाइन पंचायत प्रेसिडेंट इलेक्ट होने तो उसमें थ्री सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होगी यानी थ्री प्रधान की सीट लेडीज के लिए रिजर्व होगी राइट एंड दूसरा आप लोग ये समझ सकते जैसे कि किसी ग्राम पंचायत में किसी ग्राम पंचायत में टोटल नाइन सीट्स हैं किसी ग्राम पंचायत में नाइन सीट्स हैं तो नाइन का वन थर्ड कितना हुआ नाइन का वन थर्ड होता है थ्री तो थ्री थ्री पंचायत मेंबर्स लेडीज होंगी ये भी सीट्स रिजर्व हो आप लोग जो हमारे रूरल एरिया के फ्रेंड हैं वो अच्छे तरह से समझते हैं कि कभी कभी उनके गांव की जो मुखिया होती है आ, लेडीज होती हैं हालांकि ये थोड़ा सा गलत है बट सारा लेकिन रियलिटी है कि उनके सारा नाम तो लेडी का ही होता है बट सारा काम काज उनके हस्बैंड देखते हैं अगर इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें चलिए आगे बढ़ते हैं So, दूसरा हमारा ये हो गया ये दूसरा और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया इसी में एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजिशन आर रिजर्व फॉर वीमेन ठीक है तो ये तीन पॉइंट हो गया नाउ हम लोग चौथा पॉइंट करते हैं चौथा मेजर स्टेप क्या था एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन 1992 से पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज नहीं थी राइट right? रेगुलर तो इलेक्शन भी नहीं हो पाते स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती थी करा देती थी जब चाहती थी नहीं कराती थी अब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी बना दी गई ऑटोनॉमस बॉडी वो स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं मानेगी वो रेगुलरली इलेक्शन को हेल्ड करेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन सो एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसपल इलेक्शंस रूरल एरिया में पंचायत हो गई एंड अर्बन एरिया में अपना म्यूनिसिपल काउंसिल्स कॉर्पोरेशंस एंड नगर पंचायत हो गया राइट पांचवा मेजर स्टेप क्या हुआ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता राइट टू शेयर सम पावर्स सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट किसी किसी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर है किसी किसी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट्स को कम पावर है दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लानिशन समझ में आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट वेट 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 बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड आइए हम थोड़ा सा लर्निंग की ट्रिक लर्निंग की एक ट्रिक शेयर करते हैं जिससे कि आप लोगों के पांचों पॉइंट बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आइए देखते हैं क्योंकि एसेस्टिंग में लर्निंग एक बहुत ही मेजर टास्क होता है आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है प्रॉब्लम होती है आंसर को लर्न करें आइए देखते हैं जैसे हमारा पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि देखिए आप लोग ध्यान से देखिए एक पॉइंट से ही सारे पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल पहला पॉइंट क्या कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शन होंगे राइट पहला पॉइंट ये हो गया भाई अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शन होंगे तो ये रेगुलर इलेक्शन कराएगा कौन क्या निकल के आ गया स्टेट इलेक्शन कमीशन चले दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आ गया स्टेट इलेक्शन कमीशन पहला पॉइंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया था रेगुलर इलेक्शन दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आ गया स्टेट इलेक्शन कमीशन ठीक है अगर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराएगा यानी इलेक्शन कंडक्ट कराएगा तो कौन इलेक्ट होंगे मेंबर्स यानी सीट्स सीट्स की बात आ गई मेंबर्स यानी जो विलेज पंचायत है ग्राम पंचायत है या जो पंचायत समिति है या जिला जो जिला परिषद है उसके मेंबर्स ही तो इलेक्ट होंगे यानी सीट्स उन सीट्स के लिए इलेक्शन कराएंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्या निकल आया हमारा सीट्स निकल आई तीसरा पॉइंट सीट्स अब आइए सीट्स uh, के बाद इतना हिंट मिलते हैं आपको याद आ जाएगा कि सीट्स का रिजर्वेशन है सीट्स का रिजर्वेशन है अच्छा ये जो सीट्स का रिजर्वेशन है चार लोगों के लिए है किसके लिए है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी एंड ओबीसी एंड वीमेन वीमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वन थर्ड है टोटल सीट्स का वन थर्ड विमेन के लिए रजिस्ट्रेशन है तो हमारे थ्री पॉइंट ऐसे निकल आए ठीक है अब देखिए चौथा पॉइंट कैसे निकालेंगे अब ये जो ये जो एस सी एस टी पे इलेक्शन हो गया भैया इन लोगों को इलेक्ट क्यों किया है इलेक्ट किया है तो कुछ काम करेंगे तो इलेक्ट किया नहीं है अच्छा काम करने के लिए क्या चाहिए पावर और रेवेन्यू तो देखिए हमारा पांचवा पॉइंट भी निकल पांचवा पॉइंट भी ने, ने, बेसिकली देखिए चौथा जो पॉइंट है जो हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में तीसरा और चौथा दोनों कवर हो जाता है तीसरे में हमारा होगा रिजर्व रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो गया ओबीसी के लिए, राइट? और चौथा वाला हमारा पॉइंट हो गया आ, रिजर्वेशन टोटल सीट्स का वन थर्ड हो गया के लिए तो तीसरा चौथा उसमें कवर हो गया हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा पावर एंड रेवेन्यू राइट तो देखिए इस ट्रिक की हेल्प से हम लोगों ने सारा समझ लिया आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये ट्रिक कैसी लगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा है रूरल लोकल गवर्नमेंट आइए देखते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए एक और टर्म ये वन मार्कर में आ सकता है प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए रूरल लोकल गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज पंचायती राज पंचायती राज के नाम से भी पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज वन मार्कर ध्यान दीजिएगा आप लोग चलिए देखिए अगला पॉइंट है भी रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द पंचायत राज अच्छा देखिए पंचायत राज में बहुत ही इजी है एक छोटा सा ना आप लोगों को मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि दिमाग में एक मेंटल मैप बन जाए आइए समझते हैं देखिए जब रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात आती है देखो ये तीन चार नाम बार बार आते हैं एक तो आएगा ग्राम सभा दूसरा आएगा ग्राम पंचायत तीसरा आएगा पंचायत समिति राइट चौथा आएगा जिला परिषद ये जो जिला परिषद है जिला परिषद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया पंचायत समिति ब्लॉक लेवल का हो गया इसे याद कर लीजिएगा आप लोग वैसे याद हो जाएगा ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत ये विलेज लेवल पे हो जाती है है ना अब दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों को ये आती है कि यार ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या फर्क है या ग्राम सभा क्या है ग्राम पंचायत क्या है आइए फटाफट फड़ समझते हैं देखते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत ध्यान से सुनेगा बहुत ही ईजी है सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ग्राम सभा से ही ग्राम पंचायत निकलती है देखते हैं ईच विलेज ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत कहने का मतलब करें कि किसी एक विलेज को लेकर के या अ ग्रुप ऑफ विलेजेस अब आप कहेंगे सर कहीं कहीं पे एक विलेज को लेकर कहीं कहीं पे एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को लेकर के क्यों क्योंकि देखिए जब कोई विलेज छोटा होता है तो दो तीन विलेज को इकट्ठा करके एक पंचायत बनाई जाती है अगर कोई विलेज बड़ा है तो एक ही विलेज में पंचायत बन जाती है राइट तो वही ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत ठीक है विलेज बड़ा है तो एक ही विलेज से ग्राम पंचायत बनेगी अगर विलेजेस छोटे हैं तो दो तीन छोटे छोटे विलेजेस को मिला के एक ग्राम पंचायत बन जाएगी क्लियर चलिए दूसरा देखते हैं तो दिस इज अच्छा ये ग्राम पंचायत होती क्या है ग्राम पंचायत काउंसिल है एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी जो ग्राम सभा में डिसीजन लिए जाएंगे उसका इंप्लीमेंटेशन करेगी यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी ऐसी बॉडी है ये डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगी राइट समझते हैं दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स Often called punch. आप, आप 6, 7th में भी पंच एंड सरपंच के बारे में पढ़ा होगा तो सेवरल वार्ड हैं उनको पंच बोलते हैं और इसमें से एक प्रेसिडेंट होता है पंचायत का जिसे हम प्रेसिडेंट और सरपंच बोलते हैं या हमारे जैसे यूपी एमपी बिहार राजस्थान और हरियाणा में प्रधान जी या मुखिया जी भी बोलते हैं राइट right? तो आगे बढ़ते हैं इसी इसे थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ सेवरल वार्ड मेंबर्स एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बड़ा गांव होता है अगर कोई विलेज बहुत बड़ा है या जैसे दो तीन विलेजेस को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं ढेर सारे छोटे छोटे यू नो ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जिसे हम वार्ड बोलते हैं जो लोग सिटीज में रहते हैं वो जानते हैं कि काउंसिलर्स हम लोग इलेक्ट करते हैं हर वार्ड में उसी तरह विलेजेस को भी आ, इलेक्शन में कन्वीनियंस हो सके तो अलग अलग वार्ड में बना दिया जाता है है ना आइए देखते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड विलेज यानी ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के जो पंच और सरपंच होते हैं उनका इलेक्शन कौन करता है उनका इलेक्शन पर्टिकुलर ग्राम सभा के जो 18 साल 18 इयर्स एंड अबव यानी जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग इलेक्शन इलेक्ट करते हैं राइट right? चले चौथा देखते हैं इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसका इंप्लीमेंटेशन ये डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज है द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा ग्राम सभा में सब बैठेंगे डिस्कस होगी चीजों डिस्कशन करेंगे और फाइनल डिसीजन कंफ्यूज मत होइए आप लोग ग्राम सभा की मीटिंग होती है पहले आइए ग्राम सभा एक बार देख लेते हैं तब बेहतर समझ पाएंगे आप लोग ग्राम सभा क्या होती है अब हम लोग फिर वापस आएंगे यहाँ पर ग्राम सभा क्या होती है सबसे पहले हम समझते हैं ग्राम सभा क्या होती है किसी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में जैसे हम लोग एक कभी कभी क्या होता है अगर एक विलेज बहुत बड़ा है तो उस विलेज बहुत बड़े विलेज को ही ग्राम पंचायत बना देते हैं या दो तीन छोटे छोटे विलेजेस को लेकर के ग्राम पंचायत बना देते हैं तो उस ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं अठारह साल और उससे एटीन ईयर्स एंड अब वो सारे लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं यानी 18 साल और उससे बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं जो लोग वोट दे सकते हैं सारे लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं तो देखिए पॉइंट ऑल द वोटर्स इन विलेज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा राइट right? अब क्या होता है कि ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो साल में दो या तीन बार होनी ही चाहिए ग्राम सभा की मीटिंग आई देखे नेक्स्ट पॉइंट में इट हैज टू मीट ग्राम सभा हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर अच्छा किस लिए एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि ग्राम सभा के राइट द टू फंक्शन ऑफ ग्राम सभा तो ग्राम सभा के टू फंक्शन है किस लिए ट्वाइस और थ्राइस मीटिंग होती है टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का एनुअल बजट अप्रूव करती है ग्राम सभा पहला काम दूसरा काम रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा के दो इंपॉर्टेंट काम है ग्राम सभा कंफ्यूज मत होइए आप लोग ग्राम सभा के दो इंपॉर्टेंट काम है क्या पहला पहला तो एनुअल बजट अप्रूव करना दूसरा ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस जो काम ग्राम पंचायत को सौंपा गया था यानी ग्राम पंचायत को जो काम करना था उसका रिव्यू करेंगे कितना काम हुआ या कितना किस तरह से काम हुआ उसका रिव्यू करना राइट अब यहां पे फिर से वापस आते हैं जो आप लोगों को मैंने बोला था देखिए ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं राइट वो ग्राम सभा के मेंबर्स ही अपने आप में से इलेक्ट करते हैं और अगला ये फोर्थ पॉइंट है इट इज द ये जो ग्राम पंचायत है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है और डिसीजन को इंप्लीमेंट भी यही करती है इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोल सकते हैं आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए ये देखिए एक बड़ा गांव है और ये तीन छोटे छोटे गांव जो बड़ा गांव है क्या करेगा ये लोग ये हो गया ग्राम सभा ग्राम सभा हो गया इन्होंने अपने अपने में से ही चार पंच फोर पंच को इलेक्ट किया और एक सरपंच को एक सरपंच को जिसे हम लोग प्रधान जी बोलते हैं एक सरपंच को इलेक्ट किया तो ये जो चार पंच और एक सरपंच मिलके क्या हो गए इन्हें हम बोलेंगे ग्राम पंचायत ठीक है ये हो गया ग्राम पंचायत अब कंफ्यूजन आए आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन अब दूर हो रही है तो पूरी ग्राम सभा ने मिलकर के कुछ लोगों को यानी कुछ पंच इलेक्ट हुए और एक सरपंच इलेक्ट हुआ इन लोगों को क्या बोलेंगे कलेक्टिवली ग्राम पंचायत ठीक है अभी देखिए तीन छोटे छोटे विलेज थे तो क्या क्या इनको मिलाकर के तीनों को एक ग्राम पंचायत बना दिया ठीक है अब इनको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया इन लोगों ने वे क्या किया कुछ पंच इलेक्ट किए और कुछ सरपंच इलेक्ट किए तो जो पंच एंड सरपंच इलेक्ट होते हैं इनके ग्रुप को इनके ग्रुप को ग्राम पंचायत बोलते हैं ठीक है पंच और सरपंच चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं आप एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट हम लोगों ने विलेज के बारे में पढ़ लिया है विलेज के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं आ, सबसे नीचे सबसे निचले लेवल पे विलेज आता है विलेज के बाद ब्लॉक आता है ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है राइट तो विलेज लेवल पे भी गवर्नमेंट है ब्लॉक लेवल पे भी गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट है उसके बाद स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे है ही है वो लोग वो तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं आइए देखते हैं अब जो ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं पंचायत समिति भी बोल सकते हैं ब्लॉक भी बोल सकते हैं या मंडल भी बोल सकते हैं तीनों नाम आप लोग ध्यान दीजिए पंचायक, पंचायत समिति भी बोलते हैं ब्लॉक भी बोलते हैं मंडल भी बोलते हैं राइट इसको हम लोग एक अभी एक डायग्राम से समझ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं भी डायग्राम बनाते हैं, है ना? Right लेकर लेकर चलिए समझ ही लेते हैं। आ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी देखिए हालांकि पिछली स्लाइड में हम लोग इसे देख चुके हैं फिर भी एक बार क्विक देख लेते हैं समझते हैं, देखिए टॉप पे क्या हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा हो गया जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बा, क्या आया हमारा ब्लॉक लेवल ब्लॉक लेवल पे क्या हो गया पंचायत समिति और उसके बाद हो गया विलेज लेवल विलेज लेवल पे हमारा क्या हो गया ग्राम पंचायत राइट ये स्ट्रक्चर होता है आप लोग इसे समझ सकते हैं तो ये विलेज से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाती है तो ये हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है सबसे टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन स्टेट गवर्नमेंट देन है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है? इस तरीके से चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अब समझिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टूगेदर टू फॉर्म वट इज यूजली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल समझते हैं इसे देखिए अब देखिए एक बहुत खूब ध्यान से आप लोग सुनिए तुरंत तो मैं समझा भी दूंगा और लर्न भी करा दूंगा इसे समझते हैं देखिए इंडिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो मेट्रो सिटीज के डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मेट्रो सिटीज के डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके इंडिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें कुछ पॉकेट कुछ एरिया देखिए मान लीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का एक और ये देखिए ये अर्बन एरिया हो गया यानी ये सिटी हो गया अर्बन एरिया हो गया ये सिटी हो गया राइट उसके बाद जैसे इसने क्या बोला अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर फ्यू ग्राम पंचायत देखिए समझते हैं देखिए ये एक विलेज हो गया ये हो गया विलेज ए ये हो गया विलेज बी और ये हो गया विलेज सी राइट अब इस विलेज ने ग्राम पंचायत इलेक्ट किया इसने भी ये क्या हो गया बेसिकली ये भी पंच और सरपंच पंच और सरपंच पंच और सरपंच इसने भी पंच और सरपंच इलेक्ट किया ए बी सी हो गया उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा देखते हैं एक विलेज दो विलेज तीन विलेज इसका हम नाम रख सकते हैं ए बी सी हो गया डी ई एफ इन लोगों ने भी पंच प्लस सरपंच प्लच पंच प्लस सरपंच पंच प्लस सरपंच सर अब यहां पे भी दो विलेज हैं एफ हो गया ये जी हो गया एंड ये एच हो गया इन लोगों ने भी पंच और सरपंच पंच और सरपंच सिलेक्ट करें तो ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये तो अर्बन एरिया है उसको छोड़ दीजिए तो क्या करा है अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड देखो पंच और सरपंच को मिला के क्या बनता है ग्राम पंचायत एक ग्राम पंचायत दो ग्राम पंचायत तीन ग्राम पंचायत ये तीन ग्राम पंचायत को मिलकर क्या बन गया एक पंचायत समिति बन गया इसी देखिए ये पंचायत समिति बन गया राइट right? ये हो गए पंचायत समिति ए पंचायत समिति ए हो गई इन तीनों ग्राम पंचायत को मिलाके क्या बन गया पंचायत समिति बी पंचायत समिति बी पंचायत समिति ए और इन तीनों ग्राम पंचायत इन दोनों ग्राम पंचायत को मिला के क्या बन गया पंचायत समिति सी तो ये, ये क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ते हैं इसे अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टूगेदर यहां पर देखिए तीन ग्राम पंचायत को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनी तीन ग्राम पंचायत को मिला के अगेन पंचायत समिति बी बनी और दो ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति सी बनी तो फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है नेक्स्ट देखते हैं द दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन सी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी पंचायत समिति आर इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक पंचायत समिति बनी इस पंचायत समिति में पंच पंच पंच, ये देखिए पंच सरपंच पंच सरपंच जो पंच सरपंच हैं यानी जो पंचायत मेंबर्स हैं यही लोग पंचायत समिति के मेंबर्स का को इलेक्ट करते हैं आई होप आप लोगों को क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा है अब इसी तरीके से इन तीन ग्राम पंचायत को मिलाकर के एक पंचायत समिति में नहीं है तो इस इन तीन ग्राम पंचायत को जो मेंबर हैं यानी जो पंचायत मेंबर्स हैं वो पंचायत समिति के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं तो इसमें ये दो पॉइंट है दोनों मेजर पॉइंट आप लोग ध्यान से देख लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या आता है जिला परिषद समझते हैं जिला परिषद क्या होता है ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट परिषद। अब देखते हैं कितनी पंचायत समिति हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है कितनी पंचायत समिति हैं? तीन पंचायत समिति ए पंचायत समिति बी एंड पंचायत समिति सी इन तीनों को मिला के क्या बन गया अब जिला परिषद बन गया इन तीनों पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बन गया बड़ा ही सिंपल है पहले क्या हुआ ध्यान से सुनिए पहले क्या हुआ कुछ विलेजेस को मिलाकर के ग्राम पंचायत बनी और तीन या चार मैं समझाने के लिए बता रहा हूं यह अलग अलग होता है और कुछ ग्राम पंचायत को मिलकर पंचायत समिति बनी और किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी पंचायत समितिज हैं सबको मिलाकर जिला परिषद बन गई आई होप आपको समझ में आ रहा है राइट right? चलिए देखते हैं मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड जिला परिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से ज्यादातर इलेक्टेड होते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी अपॉइंटेड होते हैं जो इन इलेक्टेड मेंबर्स की हेल्प करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है इलेक्टेड मेंबर है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए ढेर सारे गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसी तरह स्टेट लेवल पे देख लीजिए चीफ मिनिस्टर होते है। चीफ हैं चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड मेंबर हैं उसी तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए ढेर सारे गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं जो चीफ मिनिस्टर की हेल्प करते हैं राइट उसी तरीके से विलेज लेवल पे भी है ब्लॉक लेवल पे भी है देखिए विलेज विलेज लेवल लेवल पे पे क्या है? विलेज पे जो प्रधान जी होते होता? होता सरपंच को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर होता है जिससे सेक्रेटरी बोलते हैं उसी तरह से ब्लॉक लेवल पे यूपी बिहार में तो जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं ब्लॉक हेड जो हेड होते हैं ब्लॉक लेवल पे इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं राइट ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं एंड उनको हेल्प करने के लिए कौन होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं और उस राइट ब्लॉक लेवल पे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है एंड इलेक्टेड बॉडी में कौन हो गया जिला परिषद के चेयरमैन हो गए चेयरपर्सन हो गए ये हो गया अच्छा समझते हैं आगे मेंबर्स ऑफ द लोकसभा अब ये जिला जो जिला परिषद हो इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं एक मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन भी होता है पहले समझते हैं मेंबर कौन कौन से होते हैं तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा यानी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जो लोकसभा के मेंबर होंगे राइट एंड एम उस पर्टिकुलर जाहिर सी बात है एम भी होंगे लोकसभा के और और स्टेट लेजि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एम भी होंगे तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसियर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी उसके में बड़ा इंपॉर्टेंट है जिला परिषद चेयरपर्सन जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पोलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद इसे आप लोग ध्यान दीजिए जरूर वन मार्कर में आता है नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है नेक्स्ट स्लाइड टॉक से बहुत हमारा जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट हो गया अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या है अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे आप लोग देख लीजिए बहुत ही सिंपल है लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसे समझाया हुआ है आप उस पर जाके देख सकते हैं देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी तीन लेवल होता है सबसे पहले होता है यहां पे ध्यान से समझिए सबसे ले, लेवल सबसे पहले लेवल पर टॉप पे क्या होता है जिन सिटीज की पॉपुलेशन अब थ्री लैक्स होती है वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दूसरे लेवल पे जिन सिटीज की पॉपुलेशन 20 लैक्स 20,000 20,000 से ज्यादा बट 3 लैख से कम 20,000 से ज्यादा 3 लैख से कम वहां पे क्या होता है म्यूनिसिपल काउंसिल होता है ये कॉरपोरेशन है या काउंसिल है और जिन टाउन्स की पॉपुलेशन 10,000 से 10,000 से 20,000 के बीच में होती है वहां पे क्या होता है नगर पंचायत तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट का ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है सबसे छोटा होता है तो नगर पंचायत उसके बाद आता है समझते हैं। लोकल अर्बन एरिया के लिए होते हैं, रूरल एरिया के लिए अर्बन एरिया के लिए भी होते हैं अब आइए समझते हैं टाउन्स अर्बन एरिया के लिए बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी नो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं Both municipalities and municipal corporations. Municipalities यानी जहां की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा बट 3 लाख से कम वहां पे क्या होगा म्यूनिसपल municipal, म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं उनको और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम लोग जानते हैं 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज इसी के तो इलेक्शन होते हैं ना इन सबके कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिलर्स वगैरह होते हैं इस इलेक्टेड बॉडी के मेंबर होते हैं

इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर ये ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है खूब आता है एग्जाम में इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट नहीं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी जो 1992 में 70 एक चीज आप लोगों को मैं बताना भूल गया कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है और जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है यहां मैं लिख भी देता हूं एक सेकेंड यहां भी लिख देता हूं अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो अरेंजमेंट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एंड जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट लोग अगर फाइव मार्कर या टू मार्कर या थ्री मार्कर क्वेश्चन आता है अगर उसमें आप लिखेंगे तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है मतलब एंड जो रूरल लोकल गवर्नमेंट के जितने भी अरेंजमेंट्स है वो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा की गई है आइए हम लोग समझते हैं क्या करें अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी 1992 में जो न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी थर्ड इयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट की अरेंजमेंट हुई उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है 1992 से आज हम लोग 2023 में है, तो इसकी क्या अचीवमेंट्स है आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन आ सकता है वट आर द अचीवमेंट्स ऑफ यू नो रूरल या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की तो सबसे पहले अचीवमेंट तो यही है दिस इज न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनी वेयर इन वर्ल्ड इतनी बड़ी इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन है इस तरह की एक्सरसाइज अपने आप में यूनिक है दुनिया में इसका दूसरा एग्जाम्पल कहीं नहीं पे कहीं पे भी नहीं है दूस, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं पहली अचीवमेंट ये हो गई दूसरे अचीवमेंट क्या है देर आर अबाउट थर्टी सिक्स लैक्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज में ऑल ओवर द कंट्री दुनिया में ढेर सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका पॉपुलेशन ही थर्टी सिक्स लैख नहीं है दूसरा अचीवमेंट हो गया, तीसरे अचीवमेंट देखते हैं दिस इज दिस नंबर इज बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बेसिकली हो गए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्या है स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर तो डिपेंड नहीं करता उनको स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश किया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है रेगुलर इलेक्शन होल्ड कराना तो लोग जब बार बार पार्टिसिपेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्राम सभा की मीटिंग्स में रखते हैं या ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे रखते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं तो लोगों के बीच में यू नो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है और इनकेंजमेंट इंकरेजमेंट मिलती है दूसरे लोगों को टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी बढ़ती है तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है क्या हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आर कंट्री पाँचवां फिफ्थ अचीवमेंट क्या है इट हैजो इनक्रीज रिप्रेजेंटेशन एंड आप लोग देखें, आजकल जैसे दिल्ली दिल्ली में देखिए जो दे, जो की मेयर हैं, मतलब basically मैं समझाना चाह रहा हूं कि चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरियाज में हो वीमेन आर कमिंग आउट नाउ एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग मोर एंड मोर इन दिस इलेक्शन प्रोसेस जो कि बहुत अच्छी बात है ये विमेन एम्पावरमेंट हो रही है एक तरीके से राइट right? चलिए सब कुछ अच्छा नहीं है 1992 में जो सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम लोग 100 परसेंट इस ड्रीम को रियलाइज नहीं कर पाए हैं यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसपे भी क्वेश्चन आता है कि मैंशन टू प्रॉब्लम्स इन द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स किसी भी तरीके की क्वेश्चन uh, आ सकता है बट प्रॉब्लम ही पूछेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन एरिया प्रॉब्लम गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट आइए समझते हैं एट द सेम टाइम देर आर मेनी डिफिकल्टीज क्या क्या डिफिकल्टीज है पहला वाइड इलेक्शन आर बींग रेगुलरली एंड एंथ्यूजियाली ग्राम सभाज़ आर नॉट हेल्ड रेगुलर हंड्रेड परसेंट सही बात है आप जिस भी विलेज में हैं आप इसे जरा ऑब्जर्व करें और कमेंट करके बताएं कि क्या यह ग्राम सभा की मीटिंग्स ईयर में दो से तीन बार होती हैं नहीं होती प्लीज कमेंट करके बताइए आप लोग जो हमारे रूरल एरियाज के हमारे फ्रेंड्स हैं चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड देखिए की फुल की पावर तो दे दी है पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अर्बन इलेक्शन क्यों, कराएंगे तो पावर शेयर करना पड़ेगा और जरूरी नहीं कि ये जो रूरल लोकल मतलब जो इलेक्शन के बाद जो रूरल लोकल गवर्नमेंट आएगी गाँव में जो प्रधान जी बनेंगे जरूरी नहीं वो उसी की पार्टी हो कि हो या उसकी बात माने या जो उस सिटी की पर्टिकुलर अलग अलग सिटीज में मेयर बनेंगे जरूरी नहीं वो जो रूलिंग पोलिटिकल पार्टी स्टेट में उसकी बात माने राइट right? ऐसा जरूरी नहीं है राइट right? अब क्या है कि मतलब 100 परसेंट रियलाइज नहीं कर पाए हैं क्यों देखिए क्या करें मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट सिग्निफिकेंट पावर्स सिग्निफिक वेट गवर्नमेंट मिनट मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट इसका मैंने जो जो करती हैं, जो MCD, MCD जैसे डेली हो गया कॉर्पोरेशन जो स्कूल्स मतलब रन करते हैं जो हॉस्पिटल्स रन करते हैं सफाई कर्मचारी वर्कर आए दिन उनको स्ट्राइक करनी पड़ती है क्योंकि सैलरी नहीं मिलती राइट right? तो ये अब भी इश्यूज रह गए बेसिकली तीन आ, तीन प्रॉब्लम दो ही प्रॉब्लम आप इसे कर सकते हैं कि ग्राम सभा की मीटिंग्स रेगुलरली नहीं होती और स्टेट गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट पावर एंड फाइनेंस लोकल गवर्नमेंट से शेयर नहीं किए हैं दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया आज के लिए इतना ही कीप स्टरिंग कीप ग्रोइंग थैंक यू सो मच